वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर आरजी। आज हम एक राइज एंड फॉल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स आर गिवन बिलो। सो द फर्स्ट रीडिंग इज 0.585, 2.955, 1.855, 1.265, 2.925, 0.355, 0.355, 2.855, 1.655, 2.685, 2.435। अब हमको ये देखना है कि कहां कहां पर स्टाफ को रिमूव किया गया था। वो पॉइंट्स हैं सेकंड, सिक्स्थ एंड नाइन्थ। इन पॉइंट्स, इन रीडिंग्स पर स्टाफ को रिमूव किया गया था। सो सेकंड इज ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ये पॉइंट्स लगा लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक टेबल बनानी है, तो टेबल बनाते हैं। स्टेशन बीएस मतलब बैक साइड, आईएस मतलब इंटरमीडिएट साइड, एफएस फोर साइड, राइज फॉल आरएल। फर्स्ट स्टेशन का गिवन है आरएल, तो लिख देते हैं जो कि है 100। अब बीएस में क्या लिखेंगे? फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, तो 0.585 बैक साइड में लिखती। अब जिस रीडिंग्स पर स्टाफ को रिमूव किया गया है, मतलब कि वो क्या है, फोर साइड, तो 2.955 लिखेंगे फोर साइड में। देन फोर साइड के जस्ट बाद वाली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, तो 1.855 आ जाएगी बैक साइड में। उस बैक साइड और फोर साइड के बीच की रीडिंग्स को इंटरमीडिएट साइड कहते हैं, तो उसको इंटरमीडिएट में लिखेंगे। ये फिर से फोर साइड, तो 0.350 फोर साइड में आ गई। उसके जस्ट बाद वाली रीडिंग आएगी बैक साइड में, ये इंटरमीडिएट हो गई। आफ्टर दिस फोर साइड, ये बैक साइड, और लास्ट हमेशा फोर साइड ही होती है रीडिंग, तो लास्ट रीडिंग को फोर साइड में लिख दिया। अब हमको राइज और फॉल निकालना है। राइज और फॉल निकालने का सबसे इजी चीज है, आप इस तरह से एरोज बना लो। इस तरह से एरो बनाने पे मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं, तो मैंने एरोज बना लिए। अब राइज और फॉल निकालने के लिए 0.585 - 2.955 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 2.37 नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है कि ये फॉल है, तो 2.37 फॉल में लिख दिया। देन इसको सब्सट्रैक्ट करा, इससे वैल्यू आई 0.559 जो कि है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसको राइज में लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज निकाल लिए। इसी तरह से चाहे तो सारी वैल्यूज निकाल लो राइज और फॉल की, फिर उससे आरएल निकालो, या फिर साथ के साथ भी हम आरएल निकाल सकते। देन अब आगे की रीडिंग्स, इससे वैल्यू आएगी नेगेटिव 1.66 फॉल में लिख देंगे। देन 2.925 - 0.350
वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 2.575, टाइम्स में लिख दिया, देन 2.855, इससे वैल्यू आ रही है नेगेटिव 0.505, कॉल में लिखेंगे, उसके बाद 2.855 माइनस 1.655 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1.2, राइज में लिखेंगे, द लास्ट हमने सारे राइज एंड फॉल्स निकाल लिए हैं। अब आरएल निकालेंगे, 100 में से फॉल माइनस करेंगे 2.37, माइनस करने पर 97.63 वैल्यू आएगी, 97.63 में राइज प्लस होगा प्लस 0.59, वैल्यू आएगी 98.22, 98.22 में से 1.66 सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 96.56, फिर उसमें ऐड करेंगे दिस वैल्यू को, राइस को, वैल्यू आएगी 99.135, देन आफ्टर अब इस आरएल में से माइनस करेंगे 0.505, तो वैल्यू आएगी 98.63, देन प्लस करेंगे 1.2, 99.83 वैल्यू आएगी, देन प्लस 0.25, देन लास्ट आरएल आएगा 100.08। अब इस क्वेश्चन में हमने आरएल भी निकाल लिए, सब काम हो गए, पर चेक भी तो लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो हम चेक लगाएंगे। तो चेक है क्या? चेक है समिशन ऑफ बैक साइड माइनस समिशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल समिशन ऑफ राइज माइनस समिशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो निकालते हैं समिशन ऑफ बैक साइड क्या है, ये जो सारी वैल्यूज दी हुई है बैक साइड में उस सबका समिशन करेंगे जिससे वैल्यू आएगी 7.475, फोर साइड की वैल्यूज का समिशन करेंगे वैल्यू आएगी 7.395, समिशन ऑफ प्राइस करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.615, समिशन ऑफ फॉल करेंगे 0.535। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक करेंगे, बैक साइड समिशन ऑफ बैक साइड माइनस समिशन ऑफ फोर साइड वैल्यू आएगी 0.08, समिशन ऑफ राइज माइनस समिशन ऑफ फॉल वैल्यू आएगी 0.08, और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगी 0.08। ये तीनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस जो भी साइंस आएंगे वो भी सेम है, वैल्यू भी डिजिट भी सेम है, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन हमने सही तरह से सॉल्व करा है, तो हैज ओके।